हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का जो वीडियो होने वाला है, देखिए देखिए बच्चे हमारे साथ में आए हैं। देखिए, हाँ, ये सब बच्चे साथ में आए हैं। आज इनके साथ में एक अलग तरह की रेसिपी आपको बनाकर दिखाएंगे और इन बच्चों को खिलाएंगे। तो आपको दिखा दें हम अपने साथ में क्या क्या सामान लाए हैं जिससे हम अपनी रेसिपी को बनाएंगे। तो फिर देखिए इतने बच्चे हमारे साथ में हैं, देखिए बहुत सब भूखे हैं बेचारे। तो दोस्तों अपनी रेसिपी बनाने के लिए आप उसका सारा सेटअप कर लें, फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों देखिए, जब हम लकड़ी जलाने जलाने की तैयारी कर रहे हैं, ये देखिए लकड़ी तोड़ रहे हैं। दोस्तों हम लकड़ी जला दिए हैं, हम पानी रख दिए हैं, अब आलू उबालने जा रहे हैं। दोस्तों देखिए हमारा आलू उबल रहा है। तो दोस्तों देखिए हमारा आलू उबल रहा है, कितने बच्चे बैठे हैं जो भूखे हैं बेचारे। इनको भी बन जाएगी जब हमारी रेसिपी, तो इन लोगों को खिलाएंगे फिर, इसलिए खाने के लिए सब बैठे इतने बच्चे। अब शुभम जो वहाँ अकेले बना रहे हैं, और शुभम के साथ में हम आए हैं खेत में। ये देखिए बच्चों को देख लीजिए, मेरा आलू उबल गया है, देख लीजिए। तो मेरा आलू उबल गया, हम इसे छीलने जा रहे हैं। दोस्तों आलू उबल गया है, अब सुबह अकेले आलू छील रहे हैं, तो हम भी आलू को छिलवा लें क्योंकि सुबह बहुत देर तक आलू छीलेंगे। तो फाइनली दोस्तों देखिए हमारा जो आलू है छील गया है, अब इसे हम उस तलने जा रहे हैं। हेलो, तो दोस्तों तेल हमने इसमें डाल दिया है, अब इसे हम आलू को फ्राई करने जा रहे हैं। दोस्तों देखिए हमारा आलू कितने अच्छे तरीके से हो रहा है, ये तल रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों देखिए हमारा जो है वो आलू हो चुका है ऐसे। तो फाइनली दोस्तों देखिए हमारा जो आलू है फ्राई हो चुका है। तो दोस्तों आलू को हम निकालने जा रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी तरीके से हो रहा है, हो गई आलू। दोस्तों देखिए हमारा आलू जो है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने के। तो ये देखिए इसमें थोड़ा लहसुन है, 5-6 लहसुन है इधर। दोस्तों देखिए ये एक मीडियम साइज का प्याज है। अब इसको हम 2 मिनट तक सिर्फ इसमें भून लेंगे। तो देखिए इसमें 2 छोटे मिर्चे हैं, इसको सिर्फ 2 मिनट तक।
तो देखिए एक पीसा प्याज है और इसमें थोड़ा अदरक है, ये थोड़ा एक चम्मच सब्जी मसाला है दोस्तों। इसमें मसाला डाल दे रहे हैं पानी इसमें घोलकर। ये देखिए हमारा मसाला बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, तो इसे हम दो मिनट तक सिर्फ ऐसे ही चलाते रहेंगे। दोस्तों देखिए हमारा मसाला जो हो चुका है, अब इसमें हम आलू छोड़ने जा रहे हैं। और इसमें हम एक हरा मिर्चा डाल देंगे, इससे स्वाद और बढ़ जाएगा। आते रहेंगे और ये मसाला और जो हमारा आलू है और अच्छे तरीके से हो जाए। दोस्तों इसमें हम एक कप पानी छोड़ देंगे। तो दोस्तों इसमें हमने हल्का पानी डाल दिया है, अब इसे ही 10 मिनट तक हम इसे ही पका लेंगे। तो दोस्तों देखिए ये हमारी जो है सब्जी कितने अच्छे तरीके से हो रही, देखिए इसे हम ऐसे ही 5 मिनट तक और पका लेंगे फिर इसे उतार लेंगे। तो फाइनली दोस्तों देखिए हमारी जो है सब्जी हो चुकी है, अब इसे हम उतारने जा रहे हैं क्योंकि हमारी हो चुकी है, देखिए कितने अच्छे तरीके से। तो फाइनली दोस्तों हमारी जो है सब्जी हो चुकी है, अब इसे हम उतारने जा रहे हैं। अरे तो दोस्तों ये देखिए हम पाव लाए हैं साथ में, इसे तलने जा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए हमारा पाव हो रहा है, ये हम सारे अपने पाव को फ्राई कर रहे हैं। दोस्तों जो हमारी लकड़ी है बहुत भीगी है, जल नहीं रही सही से, इसलिए किसी तरह हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनली दोस्तों देखिए हमारा जो है वो बनकर तैयार हो गया जो हम बना रहे थे, देखिए दोस्तों इसे हम खाने जा रहे हैं और बच्चों को खिलाएंगे, फिर बच्चों से पूछेंगे इसका स्वाद कैसा है, अच्छा बना है। तो दोस्तों देखिए हम शुभम को पहले खिलाने जा रहे हैं, फिर शुभम से पूछेंगे इसका स्वाद कैसा है। शुभम खाकर बताओ स्वाद कैसा है। बहुत टेस्टी है, बहुत गजब का है। तो दीपक तुम बताओ इसका स्वाद कैसा है काका। बहुत टेस्टी है, बहुत गजब का स्वाद है। तो तुम अमित खाकर बताओ। इसका स्वाद बड़ा टेस्टी है और लाजवाब है और बड़ा अच्छा है। अच्छा बताओ इसका स्वाद कैसा है। बहुत अच्छा है। मीनाक्षी तुम बताओ। तो फाइनली दोस्तों हम लोगों ने पाव और आलू की सब्जी बनाकर खाई, बहुत अच्छा था, बहुत गजब का स्वाद था और इन बच्चों को खिलाकर बहुत मज़ा आया। दोस्तों फिर अगले वीडियो मिलते हैं स्पेशल वीडियो लेकर, वो भी अच्छे लोकेशन पर और अच्छी जगह पर। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते, वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।